हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में। कैटालिटिक कन्वर्टर कहाँ यूज करते हैं और एक चीज़ क्या है। तो बेसिकली कैटालिटिक कन्वर्टर व्हीकल में यूज किया जाता है, जहाँ व्हीकल से जो एग्जॉस्ट गैस निकलता है वो उसमें बहुत हार्मफुल गैसेस रहता है, तो उस हार्मफुल गैसेस को कम करने के लिए कैटालिटिक कन्वर्टर यूज करते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर के जो बेसिक पार्ट है वो हम देखेंगे। बेसिक पार्ट कैटालिटिक कन्वर्टर में यूज किया जाता है एक रिडक्शन कॉयल, ऑक्सीडेशन कॉयल एंड ए स्टील केसिंग। ये जो केसिंग होता है स्टील केसिंग, ऑक्सीडेशन कॉयल और रिडक्शन कॉयल ए हनीकॉम स्ट्रक्चर के लाइक बनाया जाता है। हनीकॉम स्ट्रक्चर मतलब मधुमक्खी की छत्ते की तरह, ठीक है। तो हम जो कैटलाइज्ड यूज करते हैं रिडक्शन कॉयल के लिए, कैटलाइज्ड जो यूज करते वो है क्या है, रोहोडियम। और ऑक्सीडेशन के लिए जो यूज करते हैं वो है प्लैटिनम, ठीक है, यह प्लैटिनम। तो रिडक्शन का मतलब क्या है, रिमूव ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का मतलब एड ऑक्सीजन। जो इंजन से हार्मफुल गैसेस निकलता है तो उसको हार्मफुल गैसेस लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, जो हार्मफुल गैसेस है ये हम लोग जब हार्मफुल गैसेस निकलता है तो ये जब एटमॉस्फेयर में जाता तो एटमॉस्फेयर बहुत एटमॉस्फेयर में बहुत पॉल्यूशन बढ़ाता। तो हम लोग इसको तो कम नहीं, ये तो निकलने से रोक नहीं सकते, मगर ये जो है इसको कन्वर्ट करके पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। तो पॉल्यूशन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, जो एक कैटालिटिक कन्वर्टर यूज़ करना होगा। तो कैटालिटिक कन्वर्टर काम कैसे करता है, जब हार्मफुल एग्जॉस्ट गैसेस इन नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, ये सब निकलता है तो जो रिडक्शन कॉयल है वो किसको कैच करेगा, वो करेगा NO को, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बहुत ही हार्मफुल गैस होता है, तो जब वो रिडक्शन कॉयल से जाएगा, रिडक्शन कॉयल से गुजरेगा तो नाइट्रोजन ऑक्साइड से जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जाएगा। ऑक्सीजन रिमूव होगा तो क्या होगा, वो नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन में चेंज होगा, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड से काफ़ी कम हानिकारक है। एंड देन जो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन है वो जाएगा ऑक्सीडेशन कॉयल में। ऑक्सीडेशन कॉयल में जाके क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन ऐड होगा, ऑक्सीजन ऐड होने के होगा इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। और हाइड्रोकार्बन क्या बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन वेपर बन जाएगा, H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड से कम हार्मफुल गैस निकलेगा एग्जॉस्ट से। तो कैटालिटिक कन्वर्टर हम मेनली यूज़ करते हैं पॉल्यूशन को रोकने के लिए, जो इंजन से हार्मफुल गैसेस निकलता है उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें।